एक सुखद अनुभूति है, वह एक शीतल आवरण है जो हमारे दुख तकलीफ के तपिस को ढक देती है। उसका होना हमें जीवन की हर लड़ाई को लड़ने की शक्ति देता रहता है। सच में शब्दों से परे है माँ की परिभाषा। माँ शब्द के अर्थ को उपमाओं अथवा शब्द की सीमा में बांधना संभव नहीं है। इस शब्द की गहराई विशालता को परिभाषित करना सरल नहीं है, क्योंकि इस शब्द में ही संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि की उत्पत्ति रहस्य समाया है। माँ व्यक्ति के जीवन में उसका प्रथम गुरु होती है। उसे विभिन्न रूपों और स्वरूपों में पूजा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति में जननी एवं जन्मभूमि दोनों को ही माँ का स्थान दिया गया है। मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति जन्मभूमि यानी धरती माँ से तो जीवनदायी आवश्यकता की पूर्ति जननी से करता है। मनुष्य से लेकर पशु एवं पक्षियों तक का आत्मनिर्भर स्वावलंबी एवं कुशल बनाने के लिए उनकी माँ उन्हें स्वयं से अलग तो करती है, परंतु उनकी सुरक्षा के प्रति हमेशा सचेत रहकर अपने ममत्व को बनाए रखती है। परंतु ठीक इसके विपरीत कोई बार मानव स्वयं अपने बढ़ते बुद्धि विकास के कारण अपनी सुरक्षा एवं आवश्यकता के प्रति स्वार्थी होकर माँ और उसकी ममता को प्रति उदासीन हो जाता है। फिर वह अपनी पूर्ति के लिए जननी और जन्मभूमि दोनों का दोहन तो करता है, परंतु उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना भूल जाता है। जो व्यक्ति अपने इन कर्तव्य का पालन करता है स्नेह ममत्व के छाव में रहकर सदयुग संस्कार नम्रता को प्राप्त करता है, वह अपने जीवन में समस्त सुखों और जीवन लक्ष्यों का प्राप्त कर ऊंचाई को पा लेता है। वही ऐसे व्यक्ति है जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में मातृशक्ति को उसके स्नेह को अपेक्षित कर उन्नति का मार्ग ढूंढने का प्रयास करते हैं। वे जीवन भर निराशा के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते।